देवास में बिजली के खंभे से हुई मासूम की मौत के मामले में कमलनाथ सरकार ने मृतक के परिवार को 4 लाख रुपए का चेक सौंपा। देखिए इस रिपोर्ट में। देवास जिले के कंजर मोहल्ले में 12 जून को खेलते खेलते एक 7 वर्षीय मासूम बच्ची सिमरन ने बिजली का खंभा पकड़ लिया था। मासूम बच्ची को करंट लग गया था, जिसके चलते मौके पर ही उसकी मौत हो गई थी। घटना को लेकर काफी हंगामा भी हुआ था। वहीं पीड़ित परिवार को कमलनाथ सरकार ने आर्थिक मदद दी है। कैबिनेट मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने परिवार को 4 लाख का चेक सौंपा। सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि मुआवजा देने से सरकार का काम खत्म नहीं होता है, बल्कि गरीब बस्तियों को विस्थापित करने की पूरी कोशिश की जाएगी। गरीबों को जब तक नहीं हटाया जाएगा, तब तक उन्हें घर नहीं दिया जाता है। एक बच्ची करंट से डेथ हो गई उसकी। आज 4 लाख रुपए माननीय मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ जी की तरफ से कांग्रेस सरकार ने मुझे भेजा है, हमने चेक दिया है। बात इससे नहीं बनती है कि 4 लाख रुपए दे दिया, मुआवजा दे दिया और हमारे सरकार का काम ख़त्म हो गया, ऐसा नहीं है। इनकी मांग है एक लेटरिंग का एक यूनिट यहाँ पे बनना चाहिए, लेटरिन बाथरूम की। वो जगह देख के हमने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वो उसको तत्काल इम्प्लीमेंट करें, कार्रवाई करें। और हमारी कोशिश होगी कि गरीब बस्तियों को कहीं ना कहीं हम विस्थापित करें तो इनको पूरी सुविधा मिले, इन्हें घर मिले, ये हमारी कोशिश रहेगी। उसके बिना हम इनको नहीं उठाएंगे। जब तक इनको रहने की हम व्यवस्था नहीं करते, तब तक नहीं उठाएंगे। समय क्या है, इस समय आंधी और तूफान का समय है। MPB के अधिकारी भागे भागे फिर रहे हैं गाँव में, कस्बों में, शहरों में। ये आंधी और पानी का समय आप खुद देख रहे हैं, और हमने भी बिजली विभाग के अमले को मुस्तैद कर दिया है कि भविष्य में इस तरह की कोई घटनाएं ना हो। कहीं भी थोड़ी सी खबर मिले तो बिजली के अमले को तत्काल वहां पहुंचना चाहिए। ये सबसे कठिन समय होता है बिजली विभाग के लिए। साल भर में ये वाला जो महीना होता है बहुत कठिन होता है, लेकिन हमने अधिकारी को निर्देशित किया है कि इस तरह की घटनाएँ ना हो, ध्यान रखें। कुल मिलाकर भले ही सरकार ने राहत राशि दे दी हो, लेकिन बिजली विभाग प्रशासन की लापरवाही से एक मासूम की जिंदगी खत्म हो गई। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, देवास।